सेम इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है। तो एक ही ट्यूब के लिए बहुत बहुत ही एडवांटेज है, जिसमें अगर आपको स्कोर करना है तो सेम और रेम इंस्ट्रक्शन के बारे में आप डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में जान लेते हैं, तो मुझे लगता है गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो लेट स्टार्ट द सेम इंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम जानते हैं, ठीक है। तो सेम बेसिकली इज द सीरियल इंटरप्ट मास्क, ओके। इसका मीनिंग है सीरियल इंटरप्ट मास्क, ओके। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हमें उसका पहले तो उसका नेम मीनिंग, ओके, फिर उसका एड्रेस मोड, ओके, और उसकी बाइट। ये बेसिकली बिट्स जो है, एक वन बिट्स की है, ओके, वन बिट की है, ओके, और इसका एड्रेस मोड है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड से ही वर्क करती है, ओके। तो बेसिकली हम इसके बारे में जान लेते हैं कुछ वर्डिंग है उसके बारे में। द इंस्ट्रक्शन मास्क द इंटरप्ट एज डिजायर्ड, ओके। द इंस्ट्रक्शन मास्क द इंटरप्ट एज डिजायर्ड, जो इंटरप्ट होता है उसको मास्क कर देती है, ठीक है। मास्क और अनमास्केबल इंटरप्ट भी होते हैं, जिसके बारे में इंटरप्ट के लेक्चर में देखा था। तो बेसिकली वही है, मास्केबल और अनमास्केबल। मास्केबल मीन्स कि हमने उसको मास्क कर दिया, ढक दिया, हमें एड्रेस के बारे में नहीं पता है। अनमास्केबल उसके एड्रेस के बारे में हमें पता है। बेसिकली हमने इंटरप्ट के बारे में, इंटरप्ट के लेक्चर में हमने देखा था मास्केबल और अनमास्केबल इंटरप्ट को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये मास्क करती है हमारे इंटरप्ट को एज डिजायर्ड, जिसको हम चाहते हैं उसको, ओके। इट आल्सो सेट आउट द सीरियल डाटा थ्रू आउट द सॉर्ट पिन, ठीक है। ये सीरियल डाटा को आउटपुट में प्रोवाइड करती है सॉर्ट पिन के थ्रू, ठीक है। सॉर्ट पिन में जो डाटा है हम उसको ले सकते हैं सीरियल आउटपुट के थ्रू, ओके। फॉर द इंस्ट्रक्शन कमांड्स बिट मस्ट बी लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस के सेट, यानी कि इसके रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसमें 8 बिट थी, जिसकी मैंने 1 by 1 यहाँ पे हमने उसको पार्टेड कर दिया, ठीक है, D0 से लेकर D7, ठीक है। 8 बिट है, 1 by 1 एक एक बिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल D1 to D2, ओके। ये बेसिकली इंटरप्ट है M7.5, M6.5, M5.5, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 3 इंटरप्ट्स हैं, और हम इसमें क्या करेंगे, इनको हम मास्क करेंगे या अनमास्क करेंगे, ठीक है। जिस जैसे कि हमने 1 जब करेंगे तो हमारे मास्क हो जाएगा, ओके। 0 जब हम करेंगे अनमास्क हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटरप्ट्स को मास्क और अनमास्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे M7.5 को बंद कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, इसको बंद कर दूँ, ठीक है। तो M7.5 जो होगा वो मास्केबल हो जाएगा, M6.5 अनमास्क हो जाएगा, और M5.5 मास्क हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बिट है D3 बिट इज द मार्क सेट अनेबल, मार्क सेट अनेबल MSE, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जब ये 1 होता है तो D2 और D0 को ये इफेक्टिव करता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, ये वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है, इफेक्ट करता है बाद में। D4 इज द RST 7.5, ये भी एक इंटरप्ट है जो हमारे क्या करता है, रीसेट हो जाता है। जब हम इसे 1 प्रोवाइड करेंगे तो इसके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं 1 प्रोवाइड करने के बाद। द नेक्स्ट इज द D5 इज द X मीन्स ये बिट जो है खाली बिट है, इसमें या तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 की कुछ बिट्स आके स्टोर होंगी, या प्रोग्रामर इस बिट को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, ओके। द नेक्स्ट इज द D6 SOE इज द सीरियल आउटपुट अनेबल मीन्स जब हम इस पिन को 1 करेंगे तो ठीक है, 1 करेंगे तो अनेबल होगा, 0 करेंगे तो डिसेबल होगा। यही पिन हमारे जो SOD पिन है उसको एक्टिवेट करती है, ओके, कि हमारा डाटा आना चाहिए या नहीं, ओके। द नेक्स्ट इज द सोर्ट इज द सीरियल आउटपुट डाटा 1 और 0, ठीक है। इसमें 1 और 0 होगा सीरियल आउटपुट डाटा, बेसिकली हमारी क्लॉक जनरेशन में ही आती है। जैसे कि 1 होगा तो सीरियल आउटपुट डाटा है, 0 है तो नहीं है। बेसिकली यही है सेम इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सेम इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देखा कि किस लिए यूज होती है, क्या बिट्स हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, फ्लैग को अफेक्टेड नहीं करती है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें हमने देखा मास्क और अनमास्क, बेसिकली यूज होती है हमें किसी भी इंटरप्ट को मास्क करने के लिए और अनमास्क करने के लिए। तो अब आप क्या कीजिए गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे रेम इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि रेम इंस्ट्रक्शन को कैसे क्या कहते हैं और किस लिए यूज होती है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ।